Good morning, everyone. So today we will do RTP November 2022. ठीक है, हम लोग RTP का नवंबर 2022 सॉल्व करेंगे. सो ये हमारा इंस्टीट्यूट का वेबसाइट से लिया गया है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, RTP का ये जो क्वेश्चन है, राइट, ये मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड है. इसमें आपको EOQ वगैरह निकालना है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, नंबर ऑफ आवर ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, सप्लायर अगर 1% डिस्काउंट दे रहा है, टोटल एनुअल क्वांटिटी इन 2 ऑर्डर्स विच वेदर ऑफर टू एक्सेप्टेबल और नॉट, राइट. देन इफ आंसर इज नो, व्हाट शुड बी द काउंटर ऑफर विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारा हम लोगों का वीडियो में कवर्ड है, राइट. व्हाटएवर वी हैव, जो भी क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा हम लोग का कवर्ड है. तो हम लोग क्विकली इसको करेंगे. तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट, एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं. मैसेज तनिस्का मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच नेम्स ESS. द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इज 210 से लेके 350 पर वीक. सो दिस इज द मिनिमम कंजम्पशन एंड दिस इज द मैक्सिमम कंजम्पशन, राइट. प्रोक्योरमेंट टाइम, दिस इज रीऑर्डर पीरियड, लीड टाइम जो हमने बोलते हैं, ये मिनिमम लीड टाइम, ये मैक्सिमम लीड टाइम. परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हमारा दिया हुआ 100 per kg, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 रुपया पर ऑर्डर. स्टोरेज कॉस्ट बोल दिया 1% पर मंथ प्लस. नाउ 1% पर मंथ हैज टू बी इंटरेस्ट कॉस्ट. ये हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया. राइट, एंड 2 per unit पर एनम. ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा. होल्डिंग कॉस्ट अपने को पर यूनिट पर एनम चाहिए और ये 1% पर मंथ है. सो दिस विल बी 12%. इसको हम लोग 100 रुपीज पर केजी पे मल्टीप्लाई करेंगे. 1% पर मंथ बोला है ना, अपने को पर यूनिट पर एनम चाहिए, तो पर एनम का रेट क्या होगा 12%, और 100 पे मल्टीप्लाई करेगा तो 12 रुपया. सो 12 + 2 दैट कम्स टू 14 पर यूनिट पर एनम. ये मेरा होल्डिंग कॉस्ट होगा 14 पर यूनिट पर एनम. दिस विल बी माय होल्डिंग कॉस्ट. अब बच्चा लोग का ना आंख बंद होता है, सारा दोष मास्टर जी का है. आंख को थोड़ा खोलिए तो आप लोग को समझ में आएगा. ये डेज में है और इधर में ये वीक्स में है. कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसको हमको रीट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. 210 केजी पर वीक मतलब 30 per day, 350 पर वीक मतलब 50 per day. सो मिनिमम मैक्सिमम जो वीक्स में दिया इसको डे वाइज कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इट इज लाइक 30 to 50 per day. क्या वीक्स को डे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. सो कंजम्पशन पैटर्न वीकली दिया है, प्रोक्योरमेंट टाइम डेज में दिया है, सो उसको कंसिस्टेंसी में लाना पड़ेगा. डन। व्हाट इज नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन? एवरेज आएगा 40 पर डे, है ना। कॉस्टिंग में जितना टाइम आप क्वेश्चन में स्पेंड करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है, यू नीड टू स्पेंड टाइम इन द क्वेश्चन। जितना जल्दी आप उतना जल्दी आप समझेंगे जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। मैं एक टीचर होने के बावजूद मैं कभी कभी गलती कर देता हूं बिकॉज आई डू नॉट स्पेंड टाइम। ये मैं भी नजरअंदाज कर सकता था, ये पर वीक और ये डेज में दिया हुआ है। तो इसका मतलब कभी ये नहीं है कि आपको आता नहीं है। आप देखिए दो टाइप का चीज होता है, एक आपको आता है, एक आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। 50 to 60% ऑफ द स्टूडेंट विल डू दिस मिस्टेक इन एग्जाम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता नहीं, आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। अगेन सर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पेपर छूट जाएगा। तो ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ अंडरलाइंग सर्टेन थिंग्स, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा, ठीक है ना। चलिए, और यहां पे हमारा एवरेज लीड टाइम कितना आएगा? 5 + 9/2 7 days। तो बेसिकली जो जो चाहिए मैंने निकाल लिया, मुद्दा यही है। ठीक है, अब हम लोग क्विकली कर लेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पहला पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन का? EOQ 2 into A into O by A is what? ये सब लिखना मत भूलना, मैं इनिशियल लिखवा रहा हूं। सो 40 पर डे 365, बोलो जल्दी बोलो, लेके ऑफिस से लेके आओ। $14,600 kg। ओ इज 200 पर ऑर्डर और सी एच है हमारा 12 + 2 ₹14 पर यूनिट पर एनम, PUPA। सो 2 into 14,600 into 200/14 कितना आ रहा है बेटा? 11,036.5। टू इंटू 14,600 इंटू 200 डिवाइड बाई 14 646 आ रहा है। $646 kg आ गया। डन। नंबर बी, रीऑर्डर लेवल इज द लेवल एट विच फ्रेश ऑर्डर नीड्स टू बी प्लेस्ड। तो विद सेफ्टी स्टॉक है कि विदाउट सेफ्टी स्टॉक है? ये विदाउट सेफ्टी स्टॉक का क्वेश्चन है। कुछ सेफ्टी स्टॉक के बारे में कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन में। क्योंकि रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, वही प्रोक्योरमेंट टाइम। सो मैक्सिमम कंजम्पशन 50 पर डे और लीड टाइम इज 9 मैक्सिमम, so this is 450 kg. With safety stock में formula क्या होता है? Average consumption into average lead time plus safety stock, something extra. Right? अगर आप देखेंगे तो इस चीज को दो पार्ट में कराया गया है, एक विदाउट सेफ्टी स्टॉक, एक विद सेफ्टी स्टॉक। क्वेश्चन में बोल देगा सेफ्टी स्टॉक है कि नहीं। एक आदमी होता है जो एकदम डरता है, जो एकदम डरेगा, जिसको रिस्क लेना ही नहीं है, वो क्या ये सोचेगा जितना दिन माल नहीं आएगा मेरा प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होगा तो मेरा रिक्वायरमेंट भी मैक्सिमम है, और जितना दिन माल नहीं आएगा वो समय भी लॉन्गेस्ट होगा। आज वो बोला 5 से 9 दिन में हम तुमको डिलीवरी दे देंगे, लीड टाइम का मतलब तो यही होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि द सप्लायर विल टेक मैक्सिमम टाइम एंड ड्यूरिंग दिस टाइम माय कंजम्पशन, माय यूसेज विल आल्सो बी मैक्सिमम, सो दिस इज टू मच ऑफ कंजर्वेटिज्म। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं इतना कंजर्वेटिज्म नहीं चाहिए, 5 से 9 दिन बोला मतलब एवरेज में 7 दिन में माल आ जाएगा, और 30 to 50 मेरा कंजम्पशन पैटर्न है, जरूरी नहीं हर दिन मैक्सिमम काम होगा, एवरेज में 40 यूनिट मेरा यूज होगा, तो 40 into 7 280, क्योंकि हम जितना ज्यादा होल्ड करेंगे हाथ में मेरा कैरिंग कॉस्ट उतना ज्यादा लगेगा। लेकिन यहां पे प्रोडक्शन बंद होने का चांस इज वेरी लो, स्टॉकआउट कॉस्ट इज लो, तो इसीलिए दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला दैट आई विल कीप 14 to 7 something in hand plus 1 day extra, एक दिन एक्स्ट्रा मतलब another 40, so max to max मेरा 320 kg आएगा रीऑर्डर लेवल। तो कहां रीऑर्डर लेवल 450 आ रहा है, कहां पे 320 आ रहा है, देखो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है। तो विद सेफ्टी स्टॉक में आपको बोल देगा The company is keeping 1 day extra stock. तुम average into average तो मेरे को रखना ही है। This is the minimum stock I will keep in hand before placing order, right? अलग अलग टाइप का इन्वेंट्री लेवल होता है। एक होता है बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर आपके हाथ में कितना होना चाहिए, एक बिफोर रिसीविंग व्हाट इज योर स्टॉक लेवल, एक हो गया आफ्टर रिसीविंग व्हाट इज योर स्टॉक लेवल। तो ये बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर आपका स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए वो क्वेश्चन है। तो जैसे मेरा स्टॉक 320 पहुंचेगा आई विल प्लेस एन ऑर्डर, राइट? सो मोर, हाँ तब तो ऊपर वाला ही करेंगे। दिस इज फॉर रिस्क, नहीं सेफ्टी स्टॉक देगा तो विथ ही करना है। अगर सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में देगा तो विथ सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला यूज करना है, तब ये वाला यूज ही नहीं करना है, राइट? एनीवे ये तो हमारे पार्ट का है ही नहीं, क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं, बस मैंने खाली ऐसे ही समझा दिया आपको, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है ये। आइए देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर किया था मैंने माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, इतना यूज हो गया, आया क्या ईओक्यू। तो जब लीड टाइम मिनिमम होगा, कंजम्पशन भी उस दौरान मिनिमम होगा, तब तुमको मैक्सिमम स्टॉक लेवल अचीव होगा। इस पे हमने ऑर्डर किया, इतना यूज हो गया, और ये नया आ गया, तो 450 किलो पे ऑर्डर किया था, 13 to 5 यूज हो गया, प्लस 646 आ गया, कितना आ रहा है 946 kg। मिनिमम स्टॉक लेवल ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। राइट, 450 माइनस 40 इंटू 7 तो आएगा 170 kg। एवरेज स्टॉक लेवल 2 कितना आ रहा है? 2 ठीक से टको चलेगा। MRC बटन दब गया होगा। ठीक है, मोबाइल में कर लो ना, सिंपल कैलकुलेशन है वो, हमको दे दो। हाँ, सारा थोड़ी आएगा, जैसे एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम में सारा नहीं आएगा। 946 170 बाई 2 558 kg। आइए, आप पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर। सबको मालूम है ए बाई ईओ क्यू 14,600 चाहिए डिवाइडेड बाई 646। 14,600 डिवाइडेड बाई 646 तो 22.6 आ रहा है। हम लोग 23 ऑर्डर्स लिखेंगे क्योंकि आधा ऑर्डर तो होगा नहीं ना। ठीक है, EFG जी में पूछा गया है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ना ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। परचेज प्राइस आएगा, TOC आएगा, TCH आएगा। तो परचेज प्राइस क्या होगा? एनुअल कंजम्पशन इनटू 100। तो 14,600 kg है इंटू 100 करके 14,60,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा 23 ऑर्डर आएगा इंटू 200 करके 4,600। हाफ इंटू EOQ, दिस इज द एवरेज स्टॉक आई एम होल्डिंग, इंटू CH। सो हाफ इंटू 646 इंटू 14, 646 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 14, 4522। $14,69,122. This is total inventory cost. फॉर्मूला निकाला है और जो कल कंपैरिजन नहीं करना था, मेरे को याद करना था। हेलो, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है एग्जाम में, आपको इंस्टीट्यूट बुक का सारा पार्ट कवर करना है, राइट? सो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जो चीज पेन एंड पेपर में होता है, राइट, दिस इज हमारे हिसाब से होना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या बोला है? Supplier is willing to offer 1% discount on purchase of total quantity in 2 orders. Okay, no worry. H वाला करेंगे अब हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट एट EOQ, टोटल कॉस्ट एट सप्लायर ऑफर, 2 कॉलम बनेगा हमारा। सबसे पहले जो अलग अलग चीजें वो लिखे हो, जैसे रीऑर्डरिंग क्वांटिटी, यहां 646 kg है, यहां पे 2 बार में मतलब 7300 करके 14600 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7300 आएगा ना। हाँ, है ना? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहां 23 ऑर्डर है, इधर में 2 ऑर्डर है, परचेज प्राइस यहां पे 1% डिस्काउंट 99, CH 12% ऑफ 100 प्लस 2, 14 रुपये आ गया। यहां क्या होगा बोलो? 12% of 99 plus 2, 99 into 12%, 13.88, हाँ? नहीं, इतना बड़ा नहीं आएगा ना, इसमें से सारा थोड़ी आएगा। रिवीजन टेस्ट पेपर में क्या होता है, दे ट्राइड विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दे ट्राइड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। अब 5 नंबर में इतना कुछ आएगा, नॉट पॉसिबल। इसमें से कोई 1 या 2 मैक्सिमम, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे वोंट गिव। हो गया? सबसे पहला परचेज कॉस्ट, इधर तो आया हुआ ही है, इधर 14600 इंटू 99, बोल दो भैया। $14,45,400 TOC, इधर अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में निकाला ही है, 2 into 200, 400, TCH इधर में आया हुआ है हमारा कितना, 4522, हाफ इंटू 7300 इंटू 13.88, 7,300 डिवाइड बाय 2 इंटू 13.88 50,662 14,69,122 14,96,462 हाँ तो सप्लायर ऑफर नहीं लेंगे, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है मेरा। हाँ खोल लो। ठीक है तो यहां पे लिख देंगे एज टोटल कॉस्ट एट सप्लायर ऑफर इज हाई देयरफॉर ऑफर शुड नॉट बी accepted. राइट एक और पार्ट है ट्रेड ऑफ। तो एच आई अभी क्वेश्चन में बोला है कि इसमें समझ में आ रहा है कि खर्चा ज्यादा लग रहा है। देखो साफ दिख रहा है कि खर्चा ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सप्लायर ऑफर रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कितना परसेंट डिस्काउंट होने से चीज बराबर हो जाएगा? मुद्दा यह है कितना परसेंट डिस्काउंट होने से चीज बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है व्हाट शुड बी द काउंटर ऑफर विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज। एक काम करते हैं, अभी जो डिस्काउंट वो लोग 1% दिया उसको भूल जाओ, ठीक है। अगर मैं सप्लायर ऑफर में जाता हूं जो कि 7,300 का है, राइट, इफ नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड देन अगर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? टीओसी प्लस टीसीएच विल बी एज फॉलो। काम करते देन inventory cost will be as follow. हाँ EOQ तो हमारा, उसी को तो ट्रेड ऑफ करना है कि कितना परसेंट डिस्काउंट देने से हम लोग का कॉस्ट सेम हो जाए, राइट? नाउ तो क्या करेंगे हम लोग, लेट डिस्काउंट बी एक्स, डिस्काउंट परसेंटेज को एक्स ले लो, या डिस्काउंट को एक्स ले लो, एक ही बात है, परसेंटेज या डिस्काउंट किसी को भी एक्स ले लो, डिस्काउंट को एक्स ले लो। तो अगर डिस्काउंट को एक्स लोगे तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन में, तो याद रखना फिर एक्स बाई 100 होगा, 100 क्योंकि परचेज प्राइस है ना, तो ये वाला चीज याद रखना। तो कैसे होगा बताइए, परचेज प्राइस कैसे आएगा? $14,600 इंटू 100 माइनस एक्स डिस्काउंट ना, पोस्ट डिस्काउंट दिस इज द रेट, तो इसको करने से कितना आएगा? $14,60,000 माइनस 14,600 एक्स टीओसी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 2 × 200, इसमें कोई बदलाव नहीं है। TCH हाफ इंटू 7,300, हाँ वही तो बोला, अगर पहले अज्यूम करते कि सप्लायर ऑफर में कोई डिस्काउंट नहीं है, पिछला में क्या था 1% डिस्काउंट दिया तो टोटल कॉस्ट ज्यादा आया, अब इनका सवाल ये कि कितना परसेंट डिस्काउंट होने से ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, हम लोगों को ये चीज मालूम है, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है ये चीज, ये EOQ है, हाँ ये सप्लायर ऑफर है। सप्लायर बोलता है परचेज इन ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है, हाँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, ये यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स लो रहेगा ना, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ये लो रहेगा या हाई रहेगा, ये लो रहेगा या हाई रहेगा, इधर में यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा, सो दिस इज एडवांटेज, दिस इज डिसएडवांटेज, दिस इज एडवांटेज। तो या तो टोटल कॉस्ट इसके नीचे भी आ सकता है या टोटल कॉस्ट इससे ज्यादा भी आ सकता है, तो ऐसा बताओ जिससे कि ट्रेड ऑफ हो जाए। एज कंपेयर टू EOQ सप्लायर ऑफर में ऑर्डरिंग कॉस्ट लो आएगा, एज कंपेयर टू EOQ सप्लायर ऑफर में कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगा, एज कंपेयर टू EOQ सप्लायर ऑफर में डिस्काउंट भी ज्यादा आएगा। तो ये दोनों एडवांटेज हो गया और ये डिसएडवांटेज है, तो वही तो कर रहा हूं मैं यहां पे भी, पहले बिना डिस्काउंट के क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं, राइट? कर रहा हूं। इनटू 12% ऑफ 100 माइनस x प्लस 2 इसको पहले आधा कर लो। 7300 डिवाइड बाई 2 3650 into 12% of 100 is 12 minus 1.2x ठीक है। प्लस 2 तो ये जो टोटल आ रहा है ये 1469,122 होना चाहिए। एज पर न्यू डिस्काउंट ये होना चाहिए। और तो काउंटर ऑफर तभी तो हो पाएगा। इसके नीचे अगर तुम डिस्काउंट दोगे, ये होमवर्क मैं करके जाऊंगा। ये होमवर्क मैं करके जाऊंगा घर से। तुम मेरे को ज्यादा खरीदने बोल रहे हो, तुम अगर मेरे को इतना खरीदने बोलोगे तो मैं क्या डिस्काउंट तुमसे मांगूंगा? तुम मेरे को अगर इतना खरीदने बोलोगे तो मैं तुमसे क्या डिस्काउंट मांगूंगा? एक्सेल में डालना है बेटा। ये तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम लोग इसमें पेन एंड पेपर में कर रहे हैं। अगर मैं ये एक्सेल में करता तो ये मेरे को इतना टाइम लगता ही नहीं, मेरा 2 मिनट में हो जाता। ये प्री डिफाइंड मैं सेट करके रखता, वहां पे डिस्काउंट परसेंटेज मारता, मेरे को ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन बता देता है कि इतना पे इतना होना चाहिए। एनीवे सो इक्वेशन क्या है हमारा? 1469,122 इक्वल्स टू 14,60,000 माइनस 14,600 एक्स प्लस 400 प्लस 3650 इंटू 14 माइनस 0.12x। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है हम लोगों को। इसको इधर ले लो तो 9122 माइनस 400 इक्वल्स टू माइनस 14600 एक्स प्लस 3650 इंटू 14 51100 माइनस 3650 into 0.12 438x x वाले को 51100 प्लस 400 माइनस 9122 42,378 इधर में 14,600 प्लस 438 2.82 आ रहा है डिस्काउंट। परसेंटेज कितना आएगा? 2.82 बाई परचेज प्राइस 100 है, 2.82%। हम लोग के स्टडी मैट में जो क्वेश्चन है उसमें ये एक्स लेना नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि वहां पे वो कैरिंग कॉस्ट बोली दिया है वो लोग अलग से, तो उसमें हम लोग सिंपल ये वाला फंडा लगाया, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ के उन ईओक्यू का टीओसी टीसीएस से कंपेयर किया, जितना एक्स्ट्रा था उतना डिस्काउंट में ले लिया, बट यहाँ पे एक्स लेके करना पड़ेगा क्योंकि ये भी परसेंटेज ऑफ एक्स में आ रहा है। हाँ, उसमें कैरिंग कॉस्ट का फिगर दे दिया था 15 रुपया, तो उसमें हम डायरेक्टली इस तरीके से किया था, फिर जो एक्स्ट्रा आया था उसको डिस्काउंट मांग लिया था, बट यहाँ पे अपन को ये चीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे का अगला क्वेश्चन करते हैं। नंबर लेबर कॉस्ट का क्वेश्चन है ये, लेबर टर्नओवर का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद labor turnover. HR Limited is progressing in its legal industry. One of its training executive, Mr. H, in the personnel department has calculated labor turnover rate 24.92% for the last year using flux method. Following is the data provided by personnel department for the last year. Okay. बिगिनिंग में कितना एम्प्लॉय है? 810। ज्वाइंट 1680, लेफ्ट 90, सॉरी 1620। देखिए 2340 आ गया हिसाब में, दिस प्लस दिस माइनस दिस करने से आ गया। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या पोजीशन है और लीगल सेक्रेटरी का क्या पोजीशन है। स्टाफ अटॉर्नी का क्या है, एसोसिएट अटॉर्नी का क्या है, सीनियर स्टाफ अटॉर्नी, सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क, लिटिगेशन अटॉर्नी, काफी सारा में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है। एम्प्लॉइज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सब्सिडियरी कंपनी, एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम है, सीनियर स्टाफ में 12 आया है और सीनियर रिकॉर्ड क्लर्क में 39 आया है। ये ज्वाइंट वाला कॉलम है, देखो ये ज्वाइंट वाला कॉलम है और ये लेफ्ट वाला है, ये ओपनिंग ये एंड। ठीक है, क्लियर? टोटल में इतना पेरोल में था, क्लियर। The opening strength of the legal secretary, staff attorney, and associate attorney were in the ratio 3:2:3. 3:3:2. लीगल मतलब कौन कौन सा लीगल स्टाफ, ये लीगल का, स्टाफ का, एसोसिएट का। The company has decided to abandon the post of litigation attorney, and consequently all the litigation attorneys will be transferred to the subsidiary company. कहाँ गया? हाँ, लिटिगेशन अटॉर्नी में जितना भी था हाँ यहां से निकाल दिए हैं, इधर से मैंने निकाल दिया है। समझा नहीं मैं, इसका मतलब यह कि अब इस मेरे पास में और इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो एंड विल बी 0, right? The company and its subsidiary are maintaining separate set of books and separate personal department. You are required to calculate labor turnover rate using replacement method and separation method. ठीक है, हो जाएगा। तो पहले सब क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो हम लोग को एक टेबल बनाना होगा जिससे कि हम लोग ये सारा क्वेश्चन मार्क वगैरह निकाल सके। एक बार हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, हमारा पर्पज सर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओपनिंग, सेपरेटेड, न्यू रिक्रूटमेंट। रिप्लेसमेंट और एंड वाला रिजल्ट। इन दोनों को करेंगे तो 2 ज्वाइनिंग आ जाएगा। ठीक है, बताना फटाफट कौन कौन सा कैटेगरी है क्विकली। रिकॉर्ड क्लर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, लीगल सेक्रेटरी, स्टाफ अटॉर्नी, एसोसिएट अटॉर्नी, सीनियर स्टाफ अटॉर्नी, सीनियर रिकॉर्ड अटॉर्नी, लिटिगेशन अटॉर्नी, यही है ना। क्या उससे मतलब नहीं है, वो तो आ जाएगा ना रेस्पेक्टिव में, कहाँ गया है, कहाँ आया है। ओपनिंग का टोटल है 1158। रिकॉर्ड क्लर्क का बिगिनिंग 810, लेफ्ट 90, टोटल ज्वाइनिंग 1620 है। तो 1620 में से 90 जो छोड़ के गया वो होगा 1620 में से 90 जो छोड़ के गया वो रिप्लेस हो, तो नया ज्वाइनिंग कितना है 1530। अरे भैया सेपरेटेड 90 है तो रिप्लेस भी 90 होगा ना। तो 810 माइनस 90 प्लस 1620, देख लो 2340 आ गया। इसको एक्सेशन भी बोलते हैं हम लोग। टोटल जॉइनिंग को, तो टोटल जॉइनिंग ड्यू टू एक्सपेंशन एंड टोटल जॉइनिंग ड्यू टू सेपरेशन। रिप्लेसमेंट का मतलब ही होता है ड्यू टू सेपरेशन। तो टोटल जॉइनिंग अगर 1620 हुआ है तो 90 ड्यू टू सेपरेशन, जितना सेपरेट हुआ है, जितना छोड़ के गया है। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का नीचे कोई लाइन वाइन नहीं बोला है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है 90 छोड़ के गया 30 ज्वाइन हुआ है, राइट। नब्बे छोड़ के गया है 30 ज्वाइन हुआ, मतलब सेपरेशन कोई पूरा नहीं कर पाया ये। ये है ही नहीं। अच्छा, क्लोजिंग में 60 बचा है, इसका मतलब 120 ओपनिंग में था। बैक कैलकुलेशन 120 था, 90 छोड़ के गया, 30 ज्वाइन के, देखो 60 आ गया। तो ये आपको करना पड़ेगा। लीगल सेक्रेटरी, लीगल सेक्रेटरी कभी कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, कहाँ? हाँ, ओपनिंग के लिए बोला है। हाँ ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल सेक्रेटरी में खाली ज्वाइन हुआ है 90, कोई छोड़ के नहीं गया। छोड़ के देखो डैश है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये है ही नहीं। रिप्लेस भी नहीं है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकालना है। ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टाफ अटॉर्नी। थर्टी ज्वाइन, 30 लेफ्ट। है ना, और इसमें खाली 30 ज्वाइंट है। थर्टी ज्वाइंट, 30 लेफ्ट, तो 30 लेफ्ट, 30 रिप्लेस में आएगा। इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए, और इसमें सेपरेटेड है नहीं, खाली 30 ज्वाइंट है। अगर सेपरेटेड है नहीं तो रिप्लेस भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। तो उसके वॉट एवर यू आर टेकिंग दैट यू आर फीलिंग न्यू। लेकिन इसका 45 दे दिया, इसका मतलब ये 15 है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसके लिए कुछ बोला है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एसोसिएट अटॉर्नी देखो निकाला भी गया है, यहां नहीं लिखा है ऊपर में, लेकिन नीचे लिखा है। इधर में कुछ नहीं है, बट नीचे निकाला गया एसोसिएट अटॉर्नी। तो इसका मतलब ये गलत हुआ है हम लोग से, ये इस तरीके से नहीं होगा। जस्ट बताता हूं, वेट करो। हम्म, 15 निकाला गया है, इसका मतलब 15 रिप्लेस हुआ है, और टोटल ज्वाइनिंग 30 है। सो दिस इज 15। ट्रांसफर टू सब्सिडियरी हुआ है ना एसोसिएट कैटेगरी से। क्लोजिंग 45 है, करो। 30 में से 15 निकाला गया, 30 को ले लिया। कम होने से ठीक है, यूजुअली अपन वही मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो जितना सेपरेटेड है उतना ही रिप्लेस्ड होगा। कम हुआ ना, यहाँ तो ज्यादा हो रहा है, 30 ज्वाइन किया है तो 15 इज ड्यू टू सेपरेशन, बाकी इज ड्यू टू एक्सपेंशन। अब इन तीनों का रेशियो क्या है? 3:3:2। सो मेरे ख्याल से ये 45 होगा, ये 45 होना चाहिए। सो ये तुम्हारा 135 होगा और ये तुम्हारा 45 होना चाहिए। ओपनिंग स्ट्रेंथ 3:3:2 बोला, इसका ओपनिंग स्ट्रेंथ अगर 30 है तो प्रोपोर्शनली इन दोनों का ओपनिंग स्ट्रेंथ कितना होगा? सीनियर स्टाफ अटॉर्नी ओपनिंग में 6 है, बारह आया है, हो गया। ओपनिंग में 6 है, 12 आया है, 18 हो गया। बारह है, 39 आया है, 51 हो गया। डन। लिटिगेशन में बिल्कुल साफ है, 90 ट्रांसफर हुआ है और बोला आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है लिटिगेशन। ट्रांसफर हुआ है, आगे कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा, तो ओपनिंग में 90 था। देख लो क्लोजिंग कितना आ रहा है, 2694 आ गया। क्लोजिंग सेपरेटेड 90 + 90 + 30 + 15। $315 सेपरेटेड है, 1530 + 90 + 15 + 12 + 39 1686 और रिप्लेस्ड होगा 165। समझ गया ना? तो ये फटाफट हम लोग बना लेंगे इस चीज को। अपने को मेन मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। ये था हमारे पास, लेकिन ये वाला नहीं था। ये हमने निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये तो सिंपल था। चलो अच्छा, उसमें ये भी शायद दिया हुआ था, एक सेकेंड, ये वाला दिया हुआ था, ये 45 दिया हुआ था, 60 भी शायद दिया हुआ था आई गेस। हाँ 60 भी दिया हुआ था। तो 2 3 राइट, जॉइंट सारा दिया हुआ था, उसमें जो ट्रांसफर हो क्या है उसको यहां जोड़ देता 12, 39, जो सेपरेटेड था उसको यहां लिख देता 15, 90. तो इतना इतना खिचड़ी पकाने से अच्छा हम लोग ये टेबल ही बना लें। देखो ये सब मैं आपको बताता हूं, बच्चों को हमेशा ये लगता है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं किया, बट हम लोग ये फॉर्मूला किया है क्लास में। अब इस क्वेश्चन में था क्या? कुछ भी नहीं था। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय है, राइट? कितना वैरायटी मैं आपको कराऊंगा, चीज सोचो। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन टू डील विथ सो मेनी वैरायटीज। ये एक वैरायटी है, अब इसी में डिफरेंट वैरायटीज आ गया। मैं सच बता रहा हूं, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसी वैरायटी। हालांकि अगर मैं एक्सेल में करूंगा ये सब तो बहुत इजी हो जाएगा, सब लिंक्ड होता है। आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, अब इसमें करना है क्या? ये हो गया। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड बाय एवरेज इनटू 100। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड हमारा 315 आया है, एवरेज है 1158 प्लस 2694 बाई 2 इंटू 100।16.36%। अब ये एक वैरायटी हो गया, इसमें एक वैरायटी और कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा एक कैटेगरी का करते हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दे दिया। लैंग्वेज पूरा लूसिड है, करना है, रीड करना है और करना है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तुमको क्या लगता है 5 नंबर में आएगा, 10 नंबर में आएगा? ये क्वेश्चन आएगा अभी तो। वो प्रैक्टिस करने से आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि आप रिवीजन टेस्ट पेपर देख के जाइए, क्वेश्चन पेपर देख के जाइए, इंस्टीट्यूट का बुक देख के जाइए। कॉन्सेप्ट है बट इंस्टीट्यूट जो मटेरियल दिया है सारा वहीं से आएगा क्वेश्चन। कुछ नया वेराइटी क्रिएट कर सकता है बट मैक्सिमम 80% पेपर उसी में से आता है, राइट right?